चाणक्य के समसामयिक विशेष में आप सभी का स्वागत है। हमारा आज का विषय है नई मैपिंग पॉलिसी। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे कि यह चर्चा में क्यों है। केंद्र सरकार ने देश के लिए मैपिंग नीति में व्यापक बदलाव किए हैं और ये घोषणा हाल ही में की गई है। ये बदलाव विशेष रूप से भारतीय कंपनियों के लिए हैं और भारतीय कंपनियों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए हैं। इसके बाद भारत के क्षेत्र के भीतर डिजिटल जियोस्पेशल डेटा और मैप्स को इकट्ठा करने, इनको तैयार करने, प्रचारित करने, स्टोर करने, प्रकाशित करने और अपडेट करने के लिए पूर्व स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होगी। ये घोषणा हाल ही में प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके की है। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत को आत्मनिर्भर बनाने के लिए सरकार की दृष्टि में नीतिगत बदलाव एक बड़ा कदम है। हमारे प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि जियो स्पेशल डेटा के अधिग्रहण और उत्पादन को नियंत्रित करने वाले उदारवादी नीतियां एक आत्मनिर्भर भारत के लिए हमारी दृष्टि से एक बड़ा कदम है। ये भारत के लिए एक बहुत ही बड़ा और बहुत ही अच्छा कदम है जो भारत को आत्मनिर्भर बनाएगा और फाइनेंशियल लाभ भी इसको देगा। तो चलिए अब हम देखते हैं इस स्लाइड में कि जियो स्पेशल डेटा होता क्या है। किसी लोकेशन का तकनीकी पता ही जियो स्पेशल डेटा होता है। यानी कि जैसे मान लीजिए हमें किसी शहर में किसी के घर जाना हो तो हमारे पास क्या होना चाहिए, उस घर का पता होना चाहिए। पता होना चाहिए कि किस शहर के किस मोहल्ले में किस गली में मकान नंबर क्या है, जहाँ हमें जाना है, तो वो पता होता है। अगर इसी तरह से हम मतलब कि इंटरनेट के माध्यम से या मैपिंग के माध्यम से किसी लोकेशन पे पहुंचना चाहें तो वही तकनीक यानी कि तकनीकी पता ही जो है जियो स्पेशल डेटा होता है। इसको भूस्थानिक डेटा भी कहा जाता है। जियो स्पेशल डेटा आपको सटीक लोकेशन तक पहुंचाता है और ज़मीन के ऊपर जितनी भी गतिविधियाँ होती हैं, मतलब धरती के ऊपर जो कुछ भी घटित होता है, उसकी जानकारी हमें यहाँ से प्राप्त होती है। मौसम, प्राकृतिक गतिविधियाँ, मोबिलिटी डेटा से लेके हर तरह की जानकारी इसमें आती है। यानी कि अगर हम जानना चाहें कहीं जाने से पहले कि उस समय उस लोकेशन का मौसम क्या होगा, और अगर हम ये जानना चाहें कि हम फलानी जगह जा रहे हैं या उस जगह पर हम जा रहे हैं तो वहाँ प्राकृतिक गतिविधियाँ किस तरीके की हैं, इस समय किस तरह का वहाँ पर प्राकृतिक रूप से चीज़ें घटित होती है, या फिर हमें किसी बिजनेस को खोलने के लिए देखना हो कि मोबिलिटी डाटा क्या है वहाँ का। यानी कि मान लीजिए हमें एक रिटेल शॉप खोलनी हो या रिटेल का बिजनेस करना हो और हमें जानना हो कि रिटेल का मार्केट इस एरिया में चलेगा या नहीं, वहाँ मोबिलिटी कैसी है, तो वहाँ सभी जगहों पर हम इस तरह के मैपिंग डेटा का इस्तेमाल करते हैं। सरल शब्दों में मैं दोबारा से ये कहूँगी कि ज़मीन पर जो कुछ भी घटित होता है वो सब जियो स्पेशल डेटा के अंदर आता है। हर जगह की स्पेसिफिक लोकेशन किस चीज़ पे निर्भर करती है, हर जगह की स्पेसिफिक लोकेशन अक्षांश और देशांत रेखाओं के माध्यम से प्राप्त की जाती है, यानी कि उसी से तय होती है। और यह डेटा स्मार्ट सिटी प्लानिंग से लेके हर तरह के लॉजिस्टिक और हर तरह के बिजनेस में उपयोग में लाया जा सकता है, जिससे बहुत सारी चीज़ों में हमें फ़ायदा होगा और बिजनेस को उन्नत करने में भी बहुत सारा इससे फ़ायदा होगा। लोग आत्मनिर्भर होंगे, पैसे की बचत से लेके बिजनेस के बढ़ने से लेके हर तरह की सहायता इससे मिलेगी। केंद्र सरकार के अनुसार नई मैपिंग पॉलिसी नदियों को जोड़ने, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने, स्मार्ट इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को लागू करने जैसे नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। अब कैसे निभाएगा, मान लीजिए सरकार नदियों को जोड़ने की परियोजना बनाएगी तो वो मैपिंग के माध्यम से ये पता लगा सकती है कि कहाँ से कहाँ तक किस नदी को जोड़ा जाए, कि वहाँ हमें कम काम करना पड़ेगा, बीच में लोग मौजूद नहीं है यानी कि पब्लिक नहीं है, या पर्यावरण को कैसे नुकसान नहीं होगा इत्यादि। फिर इसी तरह से अगर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाना है तब हम देख सकते हैं मैपिंग के माध्यम से कि कहाँ पर भीड़ भाड़ वाला इलाका है या नहीं है, यातायात के आसपास कैसे साधन उपलब्ध हैं। इसी तरीके से बाकी सारी परियोजनाओं में भी हम इस मैपिंग पॉलिसी का इस्तेमाल कर सकते हैं।
यहाँ एक खास बात ये भी है कि ये मैपिंग पॉलिसी ऐसे तकनीकी समय में आई है जब हमारे पास ड्रोन से लेकर मोबाइल मैपिंग सिस्टम, लिडार, रडार सेंसर और सैटेलाइट बेस्ड रिमोट सेंसिंग तकनीक ई कॉमर्स, लॉजिस्टिक और शहरी परिवहन के बाकी सारे कामों में इस्तेमाल की जा रही है। यानी कि ये इनोवेशन हम ऑलरेडी ला रहे हैं, ऐसे में इनके साथ मैपिंग पॉलिसी में बदलावों का जुड़ना बहुत ही अच्छा होगा। तो चलिए अगली स्लाइड में हम देखते हैं कि जो इस पॉलिसी से जो नए स्टार्टअप होंगे उनको क्या लाभ होने वाला है, या जो भी नई परियोजनाएं सरकार बनाएगी उसको क्या लाभ होने वाला है। मान लीजिए कोई ब्रिज बनाया जा रहा है और कोई स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, तो जियोस्पेशियल डेटा जुटाने के लिए सर्वे किया जाएगा और पुरानी पॉलिसी में इसकी अनुमति में ही 3-4 महीने का समय इसमें लग जाता था, लेकिन नई पॉलिसी आने के बाद ना केवल इस समय की बचत होगी लेकिन इस दौरान काम भी फास्ट होगा और संसाधनों का दुरुपयोग भी रोका जा सकेगा। तो इस तरह से इस नए स्टार्टअप्स को इससे लाभ मिलेगा। इसके अलावा नई पॉलिसी में डेटा कलेक्शन आसान होगा। कई क्षेत्रों में GIS एप्लीकेशन के अवसर सामने आएंगे। इंश्योरेंस, मैन्युफैक्चरिंग, रिटेल, बैंकिंग जैसे निजी क्षेत्र भी इस तरह के एनालिटिक प्रोसेस की वजह से लाभ उठा सकेंगे, अवसरों का फायदा भी उठा सकेंगे और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ भी इससे हो पाएगी। इसके अतिरिक्त सटीक मैपिंग डेटा लॉजिस्टिक इंडस्ट्री को रूट ऑप्टिमाइजेशन के साथ उसको सक्षम बनाएगा। यानी कि जब हम लॉजिस्टिक इंडस्ट्री के अंदर सामान इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं तो उसमें रूट बहुत मायने रखता है, उससे लागत बढ़ भी सकती है और लागत घट भी सकती है। तो इस मैपिंग की सहायता से उस लागत को कम किया जा सकेगा, उनका ट्रैवल टाइम भी कम होगा, फ्यूल भी कम लगेगा और फ्यूल के साथ साथ जो है बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी और आर्थिक रूप से फ़ायदा होगा। व्यापक स्तर पर इससे क्या लाभ होगा, इससे हम पता कर सकते हैं कि वर्तमान समय में जियोस्पेशियल डेटा का बाज़ार 25,000 करोड़ रुपए का है और आने वाले समय में 2030 तक यह बाज़ार 99,000 करोड़ रुपए का हो जाएगा। यानी कि कुछ ही सालों में, यानी कि लगभग 9 साल के बाद इसमें 4 गुना बढ़ोतरी हो जाएगी और इससे हम जो हमारे भारत की अर्थव्यवस्था है उसको $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लक्ष्य में बदलने में सक्षम हो पाएंगे। तो इससे देख सकते हैं हम कि क्या क्या हमें लाभ होंगे। सरकार ने 1991 के अंदर जो ग्लोबलाइजेशन की पॉलिसी लेके आई गई थी भारत सरकार के द्वारा, उसके समकक्ष इस पॉलिसी को रखा जा सकता है। यानी कि नई मैपिंग पॉलिसी जो है उतना बड़ा बदलाव है जितना बड़ा 1991 में ग्लोबलाइजेशन था। इस डेटा का इस्तेमाल करते हुए बेहतर मैपिंग प्रोसेस, एक्सप्रेस डिलीवरी की लागत कम करने में मदद मिलेगी और बड़े स्तर पर अगर देखा जाए तो इससे बहुत ज़्यादा आर्थिक फायदे होने वाले हैं। अब से पहले जो सरकार की नीतियाँ थी वो ऐसी थी कि स्टार्टअप सैटेलाइट तस्वीरों का इस्तेमाल नहीं कर सकते थे और किसी भी इनोवेशन को इसकी सहायता से नहीं उपयोग में ला सकते थे। तो इस नई पॉलिसी की वजह से मार्केट खुल जाएगा और निश्चित रूप से ये बहुत ही ज़्यादा बदलाव करने वाला है लॉजिस्टिक सेक्टर में भी और बिजनेस के हर सेक्टर में भी जहाँ भी मैपिंग की उपयोगिता होती है। इसके साथ ही इस वीडियो से रिलेटेड, यानी कि इस टॉपिक से रिलेटेड हमने सारी जानकारियाँ एक दूसरे के साथ साझा कर ली है। अब आगे देखते हैं आज का प्रश्न। आज का प्रश्न है, जियो स्पेशल डाटा से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए। कथन एक, किसी लोकेशन का तकनीकी पता ही जियो स्पेशल या भूस्थानिक डेटा कहलाता है। कथन दो, हर जगह की स्पेसिफिक लोकेशन अक्षांश और देशांतर रेखाओं से तय होती है। उपरोक्त में से असत्य कथन है। विकल्प ए केवल एक, विकल्प बी केवल दो, विकल्प सी एक और दो दोनों, विकल्प डी ना एक ना ही दो। कमेंट सेक्शन में आप अपने उत्तर अवश्य दें, आप सभी के जवाब का इंतजार रहेगा। अगली स्लाइड में अब हम देखेंगे कि पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब क्या है। पिछले वीडियो में जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही जवाब है विकल्प डी।
इसके साथ ही इस वीडियो को यहीं पर हम विराम देते हैं, फिर मिलेंगे नई जानकारी के साथ। एंड प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच। लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू नेवर मिस एन अपडेट।